दोस्तों भोला की एडवांस टिकट बुकिंग जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। भोला की जो है आईमैक्स 3D और 3D के अंदर जो बेस प्राइस रखा गया है वो एक टिकट का 500 रखा गया है। उसके बाद भी लोग बढ़ चढ़ के इस फिल्म का जो एडवांस टिकट है उस बुकिंग करवा रहे हैं, क्योंकि उनको पहले दिन पे पहला शो ही देखना है जिस दिन ये फिल्म लग रही है, यानी 30 तारीख को ये फिल्म लगने वाली है। और अगर मैं बात करूँ इसके एडवांस टिकट की तो आईमैक्स 3D से इसने 1.5 लाख रुपए की कलेक्शन कर ली है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ भोला के 3D के कलेक्शन की तो उसने 2.5 लाख के करीब इसने कलेक्शन कर लिया है, यानी अगर ओवरऑल मिलाया जाए तो 1 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन इसने 3 दिनों के अंदर कर लिया है। फिल्म का ऐसा कलेक्शन देखने के बाद लग रहा है कि फिल्म जो है वो पहले दिन ही कम से कम 30 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करने वाली है बॉक्स ऑफिस पे, जिसका कलेक्शन देखने के बाद बहुत सारे एक्टर का और एक्ट्रेस का जो है रिस्पांस देखने को मिल रहा है। इसी के ऊपर अजय देवगन ने भी कहा है कि मेरे को पूरा विश्वास है अपनी फिल्म के ऊपर कि ये बहुत ही तगड़ी कमाई करने वाली है और मेरे आसपास कोई और दिखाई देने वाला नहीं है पिछले 1 महीने के बाद। दोस्तों इस फिल्म का एक मतलब ये भी है कि सबको पता है कि ये फिल्म कैथी का रीमेक है जो कि एक OTT प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। उसके बाद भी ये फिल्म इतनी ज़बरदस्त कमाई कर रही है अपने जो एडवांस टिकट बुकिंग का है, उसके बाद इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही आसान है कि फिल्म का जो कलेक्शन होने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और इसकी जो कमाई है वो काफ़ी लंबी चलने वाली है जिस हिसाब से पठान की कमाई चल रही है। अगर मैं बात करूं इसका जो पहले दिन का जो कलेक्शन होने वाला है वो 2 डिजिट के अंदर में कमाई करती हुई आपको दिखाई देगी। दोस्तों भोला के फर्स्ट डे फर्स्ट शो को देखने के लिए जो लोग भी अपने टिकट को बुक करवा रहे हैं वो लोग अपना स्टोरी पे स्टेटस पे हर जगह उस टिकट का स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम लोग इस फिल्म को देखने जाने वाले हैं। तो भोला आपको देखने को मिलेगी 2D 3D IMAX सभी में आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ तक दोस्तों बुकिंग के मामले में तो ये दृश्यम 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि एडवांस टिकट बुकिंग की अगर मैं बात करूँ दृश्यम के तो 6.5 करोड़ के कलेक्शन उसने किया था, लेकिन इस फिल्म ने 3 दिन के अंदर ही 1 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है। बाकी दोस्तों आपने इस फिल्म का टिकट बुकिंग करवाया नहीं करवाया हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक टेक केयर, गुड बाय।